बस एक और नए एपिसोड में सभी को फिर से वेलकम है। और आज हम जाने वाले हैं मौसमी आइलैंड, जिसका हम लोग आया, हम लोग का मेन मकसद था मौसमी आइलैंड घूमना। तो हम तो पहले जाए नहीं, और फिर अभी तो बीच पर है, अभी निकलेंगे कुछ टाइम के बाद। अभी टाइम है 6:30 आसपास होंगे, तो अभी चाय वगैरह खा के फिर निकलेंगे बहुत जल्द। फिर अभी इधर का नज़ारा कुछ देख लो लास्ट टाइम, क्योंकि अभी बहुत जल्द हम निकलने वाले इधर से जाने वाले हैं मौसमी आइलैंड की तरफ। और कौन सा रास्ता बेस्ट होगा, कौन सा कैंप बेस्ट होगा, वो भी और को बोलूँगा सब कुछ। तो होटल से भी निकल चुके और अभी चल रहे मौसमी आइलैंड की तरफ। भाई आज का दिन तो मतलब बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और आप लोगों को सेम रास्ते दिखा के बोर नहीं करूंगा, तो चलो फिर कोई बढ़िया सा प्लेस में जाके फिर आप लोगों से दिखाते हैं, बातें करते फिर। चलो फिर चलते हैं जल्दी से जल्दी। हम जो है पीछे चले गए थे, मतलब पीछे नहीं सॉरी, मतलब ज़्यादा चले गए थे, तो इसलिए अब पीछे आ रहे हैं सामने से। और 200 मीटर जाके अभी राइट साइड की तरफ एक फेरी घाट पड़ेगा। देखो मौसमी आइलैंड जाने के लिए आप लोगों को दो फेरी घाट पड़ेगा, फेरी घाट पड़ के एक है हुचुती घाट, दूसरा है पातिबनिया। तो बौखल से पातिबनिया काश मतलब पास में है, तो इसलिए हम उधर से जाएंगे। आते टाइम हम लोग हुचुती घाट से आगे जाएंगे। हमारा जो कैंप है एकदम लास्ट में है, कैंप का नाम है मौसमी वेव्स। हम मैंने जितना रिसर्च करके देखा है कि वही बेस्ट लगा मेरे को फिलहाल, तो इसलिए अभी देख रहे हैं, अभी जाके देखते हैं कैसा है। आप लोगों को भी दिखाएंगे बेस्ट कैंप है क्या है, नहीं है, खाना कैसा है, टेस्ट वगैरह सब कुछ बोलेंगे। तो चलो अभी जादू नहीं है, अभी बस 2 किलोमीटर आस पास बाकी है, मेन रोड से हम लोग आए। बाकी एक चीज़ का जो अभी टेंशन हो गया अभी वो है कि मतलब जैसे कि आप लोग दिखा जाते हुए आप लोग देखेंगे कि सीधा सामने से हवा रही थी, अभी मेन रोड पर वही सेम हमारे साथ हुआ। तो अभी कल जाते हुए क्या होगा नहीं पता है। तो ये है पातिबनिया फेरी घाट, जो कि देखो नजर कुछ इस तरह का। बाकी हम लोग फिलहाल उठ गए नाव में और अभी चलेंगे उस तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है एकदम, मतलब डिस्टेंस देखो उस पर तो लोग देख ही पा रहे हो। बाकी देखा जो प्राइस है टिकट का वो है 10 रुपये। ए फ्यू मिनट्स लेटर तो नाव हमारा चलना शुरू हो गया। बाकी एक चीज़ मैं बताऊँ तो मतलब इधर से ना नज़ारे बहुत ही बढ़िया रहे सही में, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है पर इधर से मतलब, और बहुत दिनों के बाद में नाव में बैठ रहा हूँ, जो कि मतलब अलग ही एक फीलिंग्स है। बाकी पानी का कलर देख ही पा रहे हो बहुत ही बढ़िया, मतलब क्या बोला ग्रीन ग्रीन है, मतलब चारों तरफ ग्रीन है। इसलिए चलो फिर हम चलते चलते जल्द और दिखाते हैं आप लोगों को नज़ारे। तो इस तरह आने में जब हम लोग को बस 5 से 7 मिनट लगा, इससे ज़्यादा लगा नहीं। चलो फिर उतरते हैं फिर दिखाते हैं। तो घाट से उतरने के बाद हम लोग को कुछ एक छोटा रास्ता मिला है, इस तरह का रास्ता मतलब पुराना जमाने में नहीं बोलूँगा, अभी भी है बहुत जगह में, फिलहाल हमारे साइड फिलहाल अभी है नहीं। बाकी उस तरह का रास्ता, एक टुक का रास्ता खराब रास्ता थोड़ा बहुत। बाकी एक और रास्ता मिला उस साइड पे, ठहरा रास्ता थी बट वो दूसरी साइड जा रहा है। हम लोग का जो कैंप है वो एकदम क्या बोलूँ, मंजू सागर है उसके बाजू में ही है, मतलब उस साइड पर है। चलो दिखा दो किधर पर है, हम लोग सब कुछ घुमाऊँगा बढ़िया से। तो चलो फिर बाकी रास्ते का दोनों तरफ की पेड़ वेर भाई बढ़िया, ठंडे की माहौल भाई सब सही होता। तो बहुत सुंदर सी गाँव है, हमारे घर अगर जब हुई थी साइक्लोन तो मतलब पूरा ही डूब गई थी, समझो उस टाइम के हालात के समझ वगैरह ऐसे ना ही गाड़ी का मतलब आवाज़ कुछ टोटो वगैरह अभी जो कि है, बाकी गाड़ी वगैरह उधर है नहीं, मतलब शहरों से अलग बहुत चाहो तो खेती वगैरह सब कुछ ही है, मतलब और नया तो स्कूल वगैरह भी है, मैंने देखा था सर्च करके मैप पे जब देखा था स्कूल वगैरह है। बाकी नज़ारे वगैरह एक नंबर है यार सही में, दिल लग गया इस जगह पे। कैंप की तो बात अलग है, उधर पे तो सजा के भी रखते हैं। बाकी ये जो नज़ारे है गांव के, ये आप लोग को क्या ही बोले, एक बार आके देखो यार नज़ारे एक नंबर है, दिल लग जाएगी यार। वो छोटा सा रास्ता से निकलने के बाद एक अच्छा रास्ता मिल गया हमें फिलहाल, क्योंकि उस साइड से ही हम लोग आए थे पहले, तो उस साइड पे आ सकते, उधर से बहुत घूमना है था इसलिए हम लोग इधर से आ गए थे अंदर से, शॉर्टकट थी, रास्ता तो खराब थी बट ना सर उधर का भाई आया सही में। बाकी देखो अभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ है अवेलेबल, ओवरऑल नज़ारे तो एक नंबर है। और हमारा कैंप जैसे कि मैंने बोला
एकदम बी साइड सी साइड का मतलब बाजू में है, तो इसलिए थोड़ा सा जाना पड़ेगा अंदर। तो चलते फिर, टेंशन की बात है। तो इधर भी बहुत सारे कैंप वगैरह है, तो क्योंकि हमारा कैंप मौसम वेब क्योंकि सीधा ही देख पा रहे हो, इस साइड भी एक कैंप है, नाम लिखा है। तो अंदर चलो कुछ दिखा दो थोड़ा बहुत, अभी बाद में हम लोग सब कुछ घूम कर दिखाओ। फिलहाल अभी आए हम लोग, देख पा रहे हो मतलब ये जो पेड़ मतलब क्या ही बोले, बहुत ही बढ़िया है जो भी। तो भाई लोग ये है जी खाने की जगह, जो कि सामने एकदम मतलब गेट के बाजू में है। बाकी देखो इधर का भी नज़र है बढ़िया, मतलब इधर पे आप लोग सुबह का ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ आप लोग इधर पर ही बैठ के करोगे। बाकी स्नैक्स वगैरह आप लोग समुद्र के साइड में आके बैठ के भी खा सकते हो, जो कि दिखाएंगे बाद में। बाकी देखो मेनू वगैरह कुछ इस तरह का है, और कुछ नियम भी लिखा है जो कि पढ़ लेना आप जरूर से। बस अभी बैठे हैं वेलकम ड्रिंक के लिए, क्योंकि इधर का वेलकम ड्रिंक मतलब नारियल आप लोग देखे तो होंगे पहले भी, जो भी अगर नहीं देखो चलो दिखा देते कि देखो भाई बोलते बोलते आ भी गया है नारियल भाई साहब, मतलब बहुत ही बाद नारियल खड़ा हो, ये भी एक बढ़िया चीज़ है। इधर का सारे कैंप पे आप लोगों को नारियल मिलेगा वेलकम ड्रिंक में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सही में बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को ये वाला चीज़। बाकी फिलहाल जल्द से जल्द मेरा खाना भी हो गया, सॉरी मतलब पीना भी हो गया, उसके बाद अभी कुछ पेमेंट वगैरह बाकी थे जो कि देखे, फिर देखते कौन सा टेंट हम लोग के लिए रखे वो उन लोगों ने, तो देखते फिर उस टेंट पे जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे टेंट वगैरह सब कुछ, टेंट कॉटेज वगैरह टॉयलेट वगैरह जो जो है सब कुछ जाएंगे, पूरा फुल टूर करवाएंगे हम लोगों। चलो फिर सब कुछ हो गया, अभी चलते हैं। ये वाला टेंट हम लोगों ने चूज़ किया है जिसमें तीन बंदे तो एकदम आसानी से रह सकेंगे, इसलिए हमने ये वाला चूज़ किया है। और हम लोग एक साथ रहना था, उधर पे कुछ था जो कि दो पर्सन के लिए और था पांच पर्सन के लिए। बाकी कॉटेज वगैरह सब कुछ है, वो भी आप लोग दिखाऊंगा आने कुछ टाइम के बाद, आपको सब कुछ दिखाऊंगा, चिंता की बात नहीं, इस ब्लॉग में सब कुछ देने को मिल जाएंगे। बाकी देख पा रहे हो स्पेस भी बहुत सारा है, बैग वगैरह रख सकते उस साइड पर, बाकी इधर बैठ सकते हैं। फिर फैन और क्या क्या दिखाता हूँ, तो इसके अंदर आप लोग एक फैन मिल जाएंगे, ऊपर लाइट मोबाइल चार्ज देखे, फिर पे बोर्ड वगैरह सब कुछ है, देख पा रहे हो इस तरह का है, बढ़िया ऐसा है। दोपहर के टाइम में शायद से थोड़ा गर्मी हो सकता है, हम लोग को बोला आप लोग दूसरा वाला ले लो उधर पे, लेकिन वो बहुत बड़ा है, उससे तो ये वाला बेस्ट लगा। वाला जो टेंट है हम लोग का है, तीन पर्सन के लिए बेस्ट है, इसलिए वाला ही हम लोग चूज़ किया है। देख रहे हो बड़ा ही अंदर, चलो बाद में दिखाऊंगा अंदर से। बाकी ये वाला जो देख पा रहे सर ये टू पर्सन का, ये सर जो देख पा रहे सब टू पर्सन के लिए, फैमिली टेंट जो है वो ये सर है बड़ा इस तरह का। चलो अंदर से दिखाता हूँ, ये पांच पर्सन के लिए, पांच से छह लोग आसानी से रह जाएंगे। अभी अंदर अंदर है थोड़ा बहुत, ऊपर एक फ़ैन है नीचे एक फ़ैन है, हम लोग ये भी बोला था कि गर्मी हो सकती है आप लोग ये सब रुक सकते हो, हमने बोला नहीं ठीक है उस तरफ। बाकी तो नज़ारे तो बाहर का भाई एक नंबर है। टॉयलेट वगैरह है, कॉमन बाथरूम है इधर पे, क्योंकि टेंट है तो कॉमन बाथरूम होगा। उधर पे जो कॉटेज है उधर पे अटैच बाथरूम है, बाकी इधर पे कॉमन टॉयलेट है, आप लोग जैसे देख पाओ टॉयलेट सब कुछ है। चलो दिखाता हूँ, ऊपर रोल ठीक ठाक है देखा जाए तो। ये बॉनफायर इधर पे होती है बॉनफायर, ये देख पाओ, देख के सांस गए होंगे फिलहाल। बाकी अभी टाइम 12 आसपास बजे होंगे सुबह के, बड़ा बाकी लोग और है नहीं, हम तीन हैं और बाकी जितना सुना मैंने कि अभी और पांच आने वाले हैं, पांच लोग। बाकी आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे को जो ज़्यादातर भीड़ होती है, और ऊपर से अभी ऑफ भी टाइम है कुछ दिनों के बाद, मतलब होली के टाइम पे तो ज़्यादातर भीड़ होती है, इसलिए इस टाइम पे ज़्यादा लोग हैं नहीं। कोई ना, हम लोग एक अलग ही मतलब मज़े ले सकते हैं इस टाइम पे, कोई नहीं एकदम शांत अलग इन सुंदर सी पेड़ों के पंछी, मतलब ये भी एक अलग ही मज़ा है। सुनो यार, अब दोबारा मत आना, जिंदगी सही चल रही है, ख्वाबों पे नजर है, घर वालों को अहमियत देना शुरू कर दिया है, और मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में, तो जहां हो अब वहीं रहना, मुझे मोहब्बत के फेर में दोबारा नहीं पड़ना। कैंप, और इसके सीधा आओगे तो आप लोगों को
सी देखने को मिल जाएंगे। वैसे सी बोल नहीं सकते, रिवाड़ी बोल सकते बेसिकली, क्योंकि रिवाड़ी अभी है वो सामने जाके जो है समुद्र से मिलती है, इसलिए अभी सी इसको हम रिवाड़ी बोल सकते बेसिकली। तो देख पा रहे हो उस साइड पे बहुत सारे, इधर से नज़र है तो बढ़िया, बाकी आज मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मतलब दिख नहीं रहा उतना अच्छे से। चलो फिर थोड़ा सा आगे चला दिखाता हूँ, बाकी रेत वगैरह तो मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ही गर्म है यार। बाजू में एक और कैंप, बाजू एक और नहीं मतलब बहुत सारे कैंप है, इस साइड पे है, उस साइड पे हमारे बाजू में। फिलहाल तो अपना कैंप जितना देखा अभी तक मैं अच्छा ही लगा, बाकी बाजू वाला जो कैंप है वाली ये भी देखने को अच्छा लग रहा है। इसमें मार्ड हाउस वगैरह भी है, इसका नाम कोई जुना की कैंप ऐसा नाम का कुछ था, मैं कई याद नहीं है उतना, मैंने देखा नहीं ठीक से। बाकी इसका इधर पे जो है भाई बढ़िया लग रहा है देखने में सही में। अभी चलो और बाद में आपको दिखाऊंगा उस टाइम पे नज़ारा, शाम का नज़ारा भाई इधर का तो और भी बढ़िया होता है सही में। और जब अम्फन वगैरह हुई थी, साइक्लोन वगैरह, तो मतलब इधर पे तो मतलब पूरा ही तहस नहस हो गया था। फिलहाल तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है, सब कुछ फिर से रिकवर किया है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से साइक्लोन होने की आशंका है। अभी क्या होता है देखते हैं। अभी ऐसे एक चीज़ है कि देखो सी बीच साइड पे ना मिट्टी दिख नहीं जाता, सी बीच हो या फिर रिवर साइड बीच पे भी सी बीच मतलब मिट्टी बहुत कम ही देने को मिलती है। ऊपर तो मतलब आप देखे होंगे, ऊपर तो हम लोग दिखाया अभी व्हाइट सैंड बीच ऊपर पे, बस इस साइड पे देखो यार मिट्टी है भाई साहब, मिट्टी मगर कैसे नहीं पता। फिलहाल देख पा रहे हो नज़ारा तो बढ़िया है इधर का, वाह। लेकिन यही है कि मतलब कोई भी नहीं है, एक तो अच्छी है कोई नहीं, अच्छी बात भी है, बाकी फिर भी बहुत मतलब है ही नहीं ना, और भी पांच है आएंगे ऐसा तो बोला है फिलहाल, बाकी इसलिए उतना मन भी नहीं हो रहा है एकदम शांत चुपचाप, क्योंकि बॉनफायर वगैरह है तो रात को अगर ज़्यादा लोग होंगे तो एक साथ और भी मज़ा आएगा इसलिए। चलो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो ये दोपहर की खाना, बाकी एक चीज़ मैं बोल दूँ खाना वगैरह चेंज होता है, मेनू वगैरह जो है बहुत चेंजेस वगैरह होती है। बाकी देखो दो तरह का मछली लिखा था इसलिए एक करी दूसरा फ्राई, बाकी इधर का खाने का स्वाद आए हाय बहुत ही बढ़िया सही में, दोपहर का खाना तो हमें तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो अभी शाम हो चुकी है और अभी हम लोग फुटबॉल था ऊपर एक ऊपर उसको लेके आया और हम लोग फुटबॉल खेला है। बाकी अगर बहुत सारे दोस्तों मिलकर आते हो ना तो मतलब फुल इन्जॉय कर सकते हो सही में। फिलहाल हम लोग तीन ही बहुत इन्जॉय किए थे, बाकी चलो आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ दिखाता हूँ। चलो देख पा, और इधर भी बहुत सारे डॉगी वगैरह है, वो हमारा कैंप और देख पा रहे हो इस साइड पे बीच। मेन जो चीज़ है इस कैंप से ना, मैं क्या बोलते हैं, सनसेट जो है बहुत ही बढ़िया सर, उसमें सनराइज तो अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा लेकिन सनसेट एक नंबर देने को मिलेंगे हम लोगों को। इधर से ये जो है प्लस पॉइंट है, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ देखो फर्स्ट। तो कैसा लगा इधर का सनसेट भाई, जरूर से कमेंट कर बोला, मेरे को तो मतलब बहुत ही बढ़िया लगा सही में, बहुत बहुत ही बढ़िया। बाकी अभी ऊपर चले कैंप पे क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, बहुत टाइम नीचे बिताया, अभी कुछ टाइम के बाद हम लोग को चाय वगैरह भी मिल जाएंगे। चलो फिर ऊपर चलते, ऊपर चल के बैठते, ऊपर से भी जो है बैठने की जगह उधर से भी आप लोग नज़ारे इन्जॉय कर सकते हो, तो चलो ऊपर जाके बैठते हैं। तो ये शाम की स्नैक्स जैसा कि देख पा रहे हो, बाकी ऊपर में बैठ के इधर से ठंडे ठंडे हवा में मतलब चाय खाने की मज़ा ही अलग है। 20 minutes later तो वो जो ग्रीन कलर का लाइट देख पा रहे हो, वो जो जिस कैंप पे हम लोग हैं उसका जो कॉटेज वगैरह है वो उसमें लाइट जल रही है। अंदर जाकर आप लोग दिखाऊंगा, फिलहाल अभी बाहर आया हूँ इस साइड पे, सोचा कि आप लोगों को और भी जो कैंप है कुछ बाजू में बहुत सारे दिखाता हूँ। देखो ये बाजू वाला कैंप का लाइटिंग वगैरह और भी आगे बहुत सारे है, हम लोग जिस साइड पे इसके बाजू में एक और था जो कि अभी फिलहाल बंद है, उसके बाद उस साइड पे बहुत सारे है। बाकी अभी आवाज़ तो सुन पा रहे होंगे इस साइड का, अमेजिंग आवाज़ भाई बहुत बढ़िया। बाकी हमारा कैंप पे भी लाइट वगैरह बहुत सारे है, फिलहाल कम है क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, अभी कुछ दिनों के बाद होली के टाइम पे जो है बेस्ट सीजन है इधर पे, तो इसलिए उस टाइम पे जो मतलब लाइट वगैरह और भी बहुत ज़्यादा मतलब चाहता हूँ लाइट होती है, इसलिए अब ज़्यादा तो लाइट नहीं है। चलो फिर भी और थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा नहीं हुआ जितना हो सकता वो दिखाता हूँ। चलो फिर चलते हैं। तो ये वाला हमारा टेंट, इसके बाजू में कुछ टेंट, आप लोगों को रात में दिखा देता हूँ कैसा है टेंट के अंदर। ऊपर एक लैम्प आप लोगों को दिखा देता हूँ सुबह, LED लैम्प। इधर से देख पा रहे हो बाहर का कुछ नज़ारे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि अंधेरा है, बाकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे जो कि मेन चीज़ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सही में, अमेजिंग। और देखो हिल रहा है जब हवा दे रही है जोर से, बढ़िया। चलो मेन तो बाहर का है, चलो बाहर का लाइटिंग वगैरह दिखाता हूँ।
क्योंकि वही मेन चीज़ है। इधर पे बॉनफायर जो आप लोगों को दिखाया हुआ, इधर बॉनफायर होती है और बारबेक्यू बगैर इधर पे बनती है, जो कि हमारे हमने भी मंगवाया बारबेक्यू, तो क्योंकि होगा कुछ टाइम के बाद आप लोगों को वो भी नज़ारे दिखाएंगे। तो ये रात के डिनर, बाकी हम लोगों ने रोटी बोला था, इसे रोटी हम लोगों के लिए है, बाकी हम लोग राइस वगैरह भी है, आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो उसमें से, कोई भी ले सकते हो आप लोग खाना। बाकी देख पा रहे हो खाना तो रात का भी बढ़िया था ओवरऑल। सुबह की खूबसूरती का एहसास मतलब उसी को होता है जब वक्त पर जागते हैं, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा लेट है। बाकी नज़ारे या सुबह का अमेजिंग है, सनराइज उतना बड़ा दिखेगा नहीं बिकॉज इस साइड पर आएगा। तो फ्रेश वगैरह हो चुका है और अभी बस रेडी होंगे, बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने सोचा था सनराइज उतना बढ़िया दिखेगा नहीं, हाँ सूरज उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, बट इधर से भी ना नज़ारे एक नंबर लग रहा है यार, देखो एक बार बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी सुबह के 6 बजे, थोड़ा जल्दी तो नहीं, थोड़ा देर में आज सूरज उठी है तो इसलिए, बाकी बहुत ही सुंदर लग रही है इधर से। ये वाला कैंप भाई सही में बढ़िया है, और एक चीज़ अगर अच्छे देखोगे तो मैं बीच से अब दिखाया था कि ये वाला जो पेड़ है ना जाऊ का पेड़, ये इधर पे ही सबसे बड़ा है। इसके बाजू में जो एक और कैंप है बाद में साथ से हुआ है, पुराना वाला ही कैंप है साथ से, क्योंकि नहीं तो इतना बड़ा पेड़ तो होने में टाइम लगेगा ना। तो देख पा रहे हो नज़ारे तो मतलब बहुत ही बढ़िया। देखा हजारों दफा आपको। टाइम हो गया है सुबह के 7, सुबह के 7 बजे जो है चाय जाने का टाइम है। नेक्स्ट जो ब्रेकफास्ट लेने का टाइम है वो है 9 बजे। कल तो हमें ब्रेकफास्ट मिला नहीं, देर हो गया था आने में, आज भी मिलेगा नहीं, हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे। सुबह सोचा था हम लोग 6 बजे निकल जाएंगे बट थोड़ा लेट हो गया हम लोग। तो अभी टाइम आ गया बाय बाय बोलने का मौसमी आइलैंड को और साथ ही साथ मौसमी वेब्स कैम्प को, थैंक यू फॉर। तो भाई लोग यार कैसा लगा आज का या फिर ये वाला सफ़र, भाई जरूर से कहूँगा बोलना आज का एपिसोड कैसा लगा, बाकी ये वाला पूरा सफ़र आप लोग कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बोलना। आई होप लोग बहुत ही बढ़िया लगा होगा, प्लीज़ भाई कमेंट करना यार, दिखा कि वीडियो में बहुत लोग देखे तो बट कमेंट नहीं किया बोलो, आप लोग कमेंट करते हो हमें भी अच्छा लगता है और भी मोटिव मिलता है कि और भी वीडियो बनाऊँ आप लोग, और नया नया ट्रिप बनाऊँ। और नज़ारे तो मतलब इधर के भाई बहुत ही बढ़िया, बीच साइड नाइस मतलब बहुत ही बढ़िया। तो आज का वीडियो में एंड करते हैं, आई होप आज का ये वाला पूरा सफर बहुत ही बढ़िया लगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।